हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, ये हमारे पास ओप्पो का ये 5S फ़ोन है और इस तरीके के फ़ोन या कोई भी फ़ोन हो जिसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है, ऑटो रिकवरी मोड की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो हो जाती है, ये कई बार जो बटने हैं वो दब जाती हैं, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। एक साथ बटने दबने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आपके फ़ोन में आ जाती है, कोई भी कंपनी का फ़ोन हो आपके पास, ओप्पो, वीवो, MI, जो भी फ़ोन हो आपके पास, और इस तरीके की दिक्कत अगर हो जाती है, तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होते हैं, जिस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी सही हो जाती है। तो उसमें सबसे पहले होता है, आपको यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश और चाइनीज़ भाषा दी गई है, यहाँ पर आपको इंग्लिश सिलेक्ट करना है। तो उसके बाद देख लीजिए, ऊपर कलर रिकवरी मोड का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन सारे दिए गए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए, कई ऑप्शन जब सारे दिए गए हैं इसमें, तो आपको सबसे पहले तो रिबूट का ऑप्शन चुनना होता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से रिबूट का ऑप्शन चुन सकते हैं। अगर आपकी टच काम नहीं करे तो आप अपनी की वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख लीजिए, हमने रिबूट का ऑप्शन चुना और यहाँ पर हमने ओके किया। तो कई बार फ़ोन इस तरीके से हमारे ऑन भी हो जाते हैं, और ये हम देखते हैं कि हमारा ये फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। कई बार बटने दबने से ये प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कलर रिकवरी मोड का ऑप्शन आता है, और उसके बाद हम ये करते हैं, रिबूट कर देते हैं, तो फ़ोन हमारा सही हो जाता है। बहुत सारे वीडियो में लोग ये बताते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो उसके आगे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या करना होता है, वो किस तरीके सही होता है, वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वही प्रॉब्लम जो हो रही थी कलर रिकवरी मोड की, वो प्रॉब्लम इसमें है अभी। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सही नहीं होगी, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बटने दबने से कहीं ना कहीं शॉर्टिंग हुई है, या तो कोई की शॉर्ट हुई है, या अंदर से बोर्ड से भी दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए दोस्तों करना क्या होगा, फ़ोन को हम करेंगे ओपन, और ओपन करने के बाद देखेंगे इसमें दिक्कत कहाँ से हो रही है। आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये दिक्कत कैसे हो जाती है, वो भी हम आपको बता देंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर जो हमने इसको लगे हैं, यहाँ पर सब ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसको हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि दिक्कत किस तरीके से हो रही है, कहाँ से हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसको उसके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको हम देखेंगे दिक्कत हमारी फ़ोन में कहाँ से हो रही है। तो चलिए, ये पहले काम कर लेते हैं। तो देख लीजिए, हमने यहाँ पर सारे पेज जो है ओपन कर लिए हैं, और हमें इसको अब खोलना है। खोलने के बाद हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे दिक्कत कहाँ से हो रही है, और ये सब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आए कि दिक्कत कहाँ से है, आप किस तरीके से इसको सही कर सकते हैं। कंपनी का कोई भी फ़ोन हो और जिसमें दिक्कत हो रही है, तो उसको करना आपको इसी तरीके से होता है। चलिए, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, हटा देते हैं बिल्कुल ये। तो यहाँ पर देखिए, बैटरी का पट्टा और जितने भी पट्टे लगे होते हैं, सारे पट्टे यहाँ से हम हटा देते हैं, और यहाँ से हम इसको इस तरीके से निकालते हैं बोर्ड को बाहर। और बोर्ड को बाहर निकालने के बाद, जो इसकी सर्किट सप्लाई होती है पावर की और वॉल्यूम की, इनको हम चेक करते हैं मीटर से कि इसमें कहीं से शॉर्टिंग तो नहीं हो रही, कोई की हमारी शॉर्ट तो नहीं कर रही, जिस वजह से ये प्रॉब्लम हमें हो रही हो, कि हमारे जो ऑटो रिकवरी मोड की प्रॉब्लम हो रही हो, इसी वजह हो रही हो। तो देख लीजिए, मीटर को यहाँ पर लगा लेते हैं हम बजट मोड पर, क्योंकि हमें चेक करने के लिए बजट मोड पर लगाना पड़ेगा मीटर को। अभी हमारा मीटर यहाँ पर वोल्ट पर लगा हुआ है, और हम लगाते हैं बजट मोड पर। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर हमें ग्राउंड पर रखना होगा, ग्राउंड सर्किट चेक करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ पर हमें वॉल्यूम की यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं। तो ये देख लीजिए, प्लस पॉइंट है, और यहाँ पर ये सही है, और ये वॉल्यूम का माइनस पॉइंट है, ये भी सही, माइनस ग्राउंड मिल रही है यहाँ पर, और ये हमारा दूसरा वाला है पॉइंट, ये भी सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमने चेक किए यहाँ से मीटर से, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से शॉर्टिंग नहीं हो रही है। और यहाँ पर हम दोस्तों फिर से एक बार आपको चेक करके दिखाते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है बिल्कुल। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम पावर की भी चेक करेंगे एक बार, पावर की जो सप्लाई होती है वो भी चेक करेंगे, जो पावर की सप्लाई है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सही है, यहाँ पर सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत अब हो कहाँ से रही हमें वो देखना है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए, पट्टा इसका लगा हुआ है यहाँ से, ये पट्टा दो, इसमें सप्लाई पॉइंट होते हैं, एक ग्राउंड होता है। तो इसमें अगर इस तरीके से प्रॉब्लम है, तो देख लीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट हमें यहाँ पर ग्राउंड मिल रहा है, पूरा ग्राउंड हो रहा है। तो दोस्तों, ये दिक्कत है इसमें, इसी वजह से यहाँ पर एक कोई सप्लाई हमारी है माइनस सप्लाई प्रॉब्लम कर रही है, इस वजह से इस पर प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ से दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको एक बार यहाँ से इसका जो पट्टा इसे लगा हुआ है, कि ब्लैक टेप लगा हुआ है, इसको हटा के एक बार वॉश करके देखते हैं, एक बार वॉश भी कर लेते हैं, हो सकता है कहीं से शॉर्टिंग हो रही हो इसमें। तो दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से हमने इसको टेप को हटा दिया है, और इसको कर लेते हैं हम वॉश, IP से इसको करेंगे वॉश। वॉश करने के बाद इसको फिर से एक बार चेक करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा IP हमने इसके ऊपर डाल दिया है, और यहाँ से हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा ब्रश से साफ़ करके, एक बार फिर से मीटर चेक करते हैं, उसके बाद जो दिक्कत हो रही है दोस्तों, उसको सही करेंगे, तो हमारी ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। आप इस तरीके से चेक करना है, आपको इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, तो आप इस प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से देख लीजिए, हम मीटर से एक बार चेक करते हैं,
तो यहाँ पर अभी भी शॉर्टिंग है, तो उसका मतलब कि जो ख़राब है इसकी, तो अभी हम आपको चालू करके दिखाते हैं। यहाँ पर हम इसको एक टेप लगाएंगे, यहाँ पर जो कि हमें शॉर्ट कर रही है उस पर हम टेप लगा देंगे। टेप लगाने के बाद इसको आपको चालू करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद आपको की चेंज करना है। चेंज करने के बाद आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो चलिए पहले यहाँ पर हम लगा देते हैं एक टेप, लेकर टेप लगाते हैं और टेप लगाने के बाद इसको कर देते हैं ऑन और फिर दिखाते हैं आपको। तो देख लीजिए हमने यहाँ पर इसको टेप कर दिया है, जहाँ पर शॉर्टिंग कर रही है जिस भी सप्लाई वहाँ पर हमने टेप कर दिया है, ताकि वहाँ सप्लाई इसकी टच ना हो। और हम इसको करते हैं ऑन और आपको दिखाते हैं कि सेट हमारा ऑन होता है या नहीं होता है। हमारा सेट ऑन होगा, क्योंकि इसमें जो दिक्कत हो रही थी वो हमने वहाँ पर टेप लगा दिया है कि हमारी शॉर्ट कर रही थी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चेक करना है, और चेक करने के बाद इसको अगर जो की शॉर्ट कर रही है आपको वो चेंज कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पट्टे इसके हम लगा देते हैं, जो पट्टे हमने इसके हटाए हैं वो पट्टे इसके लगा देते हैं, और यहाँ पर नेटवर्क वायर भी हम लगा देते हैं। अब इसको करते हैं दोस्तों हम ऑन, यहाँ से इसको कर लेते हैं ऑन। ऑन करने के बाद चेक करेंगे, कुछ देर रुकेंगे, थोड़ा टाइम लेगा फ़ोन ऑन होने में, कुछ समय लगता है। तो दोस्तों हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, जब तक हम कुछ देर रुकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए आगे प्रोसेसिंग हो रही है सेट में हमारे ऑन होने। देख लीजिए यहाँ पर ये ऑन हो गया, लेकिन ये रिकवरी मोड्स पर ऑन हुआ है, मतलब रीसेट हो गया पूरा फ़ोन ये, क्योंकि इसमें की दब रही थी, किसी ने फॉर्मेट पहले किया होगा तो वहाँ पर फिर से प्रॉब्लम हुई, तो इसलिए दिक्कत हुई इसमें। तो अब इसको हम आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ से आपको आगे बढ़ाना है, वाईफाई कनेक्ट करके आगे बढ़ा देना है। इस तरीके का कोई आपको फ़ोन मिलता है तो वाईफाई आपको कनेक्ट करना होती है, उसके बाद इसको आगे आप बढ़ा देते हैं ऑफलाइन मोड पर जाके, इसको आगे बढ़ा देंगे तो आपका ये आगे बढ़ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये वाला प्रोसेस भी आगे हम बढ़ा लेते हैं, इसको इस तरीके से आगे बढ़ा देते हैं ताकि ये हमारा फ़ोन ऑन हो जाए। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी होता है इसमें ऑप्शन आप इस तरीके से आपको पता ही होगा, कर सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा फ़ोन ऑन हो गया यहाँ पर। तो जो दोस्तों दिक्कत हो रही थी वो की से हो रही थी, एक की इसकी शॉर्ट कर रही थी, जिससे वजह से ये ऑटो रिकवरी मोड का ऑप्शन आ रहा था, तो हमने वहाँ पर टैप कर दिया। अब हमें पता है कि की कौन से काम नहीं कर रही है, तो हमारी प्लस वाली की यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं यहाँ पर प्लस वाली की हमारी ये वर्क कर रही है, और जो की काम नहीं कर रही उसको हमें चेंज कर देना है, जिससे कि हमारी इस प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लें, ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।